यही बात कुछ दिन से हमसे कह रहे थे, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए। संदीप, आप ये जो सडन बड़ी जबरदस्त गिरावट आ रही है और ये खुशी भी रिलीफ भी थोड़ी शॉर्ट लिव्ड रही, उस पर आप तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे। जी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक डिस्कोर्स बन गया था मार्केट में कि जो फर्स्ट राउंड इंटरेस्ट रेट हाइक होता है सेंट्रल बैंक्स का, वो मार्केट्स के लिए अच्छा होता है। लेकिन लोग ये नहीं रियलाइज करते कि वो उस समय जब जब फेड पहले इंटरेस्ट रेट हाइक होगा शुरू करता था, इन्फ्लेशन 3-3.5% होती थी, उसको 2% पे लाने की कोशिश की जाती थी। अब इन्फ्लेशन 8-9% है, कुछ कंट्रीज में, टर्की जैसे कंट्रीज में 70% हो गई है। तो इन सब में एक स्लेज हैमर अप्रोच लेना पड़ेगा सेंट्रल बैंक्स को, और वो स्लेज हैमर इम्पैक्ट का जो अप्रोच होता है उसका इम्पैक्ट ग्रोथ पे, अर्निंग्स पे, सब पे आता है। तो वो हमें फैक्टर इन करना है, लेकिन वो फैक्टर इन हो जाएगा क्योंकि फॉल्स में मार्केट में जो नेगेटिविटी है वो काफी फास्ट फैक्टर इन हो जाती है। जैसे जैसे लोग ज्यादा नेगेटिव होते जाएंगे, वैसे वैसे मार्केट के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते जाएंगे। तो मेरी ये उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर ही मार्केट में बॉटमिंग आउट हो जाएगी और तब निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद उनको ये नहीं उम्मीद करनी चाहिए जो स्टीरॉयड वाला मूव 2020-21 में आया था वैसा मूव आएगा। अब स्टेरॉइड्स नहीं होंगे, अब स्लो स्टडी मूव होगा। तो अच्छी कंपनीज को खरीदिए, 15-20% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम रखिए, और वो जरूर बन सकता है अगर अच्छे वैल्यूएशंस पे खरीदा जाए तो जल्दी। देखिए, एक और बात है ना कि बाजार में बहुत लंबे समय तक रहने का एक फायदा ये है कि जल्दी एक्साइटेड नहीं होते और जल्दी कोई भी मूड बदलता नहीं है। आप अब उस दौर में हैं कि आप आराम से अपने हिसाब से चीज़ें, लेवल्स, बाजार के वैल्यूएशंस सब अप्रोच करते हैं। बट आपसे आज ये पॉजिटिव सुन के बढ़िया लगा कि आप कह रहे हैं कि 15-20 दिन में शायद हाई प्रोबेबिलिटी है बॉटम बनने के, तब आप अपनी पोजिशन लें, लेकिन अपनी उम्मीदों को फिर भी लिड लगा के रखें कि ताबड़तोड़ रैली नहीं होने वाली है। ये बढ़िया आपने जिस्ट दिया। तो ये दूसरी बात मैं संदीप आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये भी समय आ गया है फिर कि जो कमोडिटी लॉन्ग ट्रेड था उससे अनवाइंड करें? आपने पहले भी चेतावनी दी थी पहले शो पे, और जो कमोडिटी यूजर्स हैं उनमें धीरे धीरे पोजीशन बनाना शुरू करें। जी आज ये करना ही चाहिए क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फॉल में भी काफी कमोडिटी यूजर जो कंपनीज हैं उन्होंने आउट परफॉर्म करना शुरू ऑलरेडी किया है। अगर आप देखिए कुछ ऑटो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कैपिटल गुड स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और जो कमोडिटी के स्टॉक्स है अभी आज सुबह ही, हालांकि मैंने निवेश नहीं किया, मैं वेदांता का स्टॉक प्राइस देख रहा था, मैं सरप्राइज हो गया कि 420-450 कुछ था, उससे 260 हो गया। तो कमोडिटी जो स्टॉक्स में निवेश करते हैं उनको ये रिस्क रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जब साइकिल टर्न होता है तो गिरावट भी ऐसी तेजी से आती है, तो इनको कंज्यूमर स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक की इतना वैल्यू नहीं कर सकते हम। तो कमोडिटी सुपर साइकिल एक मिथ ही था, वो कुछ होने नहीं वाला था क्योंकि जिस तरह से चाइना में स्लोडाउन आ रहा है, जो उनकी इकोनॉमी में इश्यूज हैं, उस सिनारियों में कमोडिटीज का सुपर साइकिल आने की उम्मीद कोई ज्यादा थी नहीं। और उसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो मॉनिटरी टाइटनिंग हो रही है वो नॉर्मली कमोडिटीज के लिए नेगेटिव होती है। तो कमोडिटी स्टॉक्स की वो स्टॉक 1500 का 900 हो गया, उसमें आप इन्वेस्ट करें क्योंकि ऊपर से इतना गिर गया, वो एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। हमें ये डिसाइड करना है कि ये साइकिल वापस होगा, आएगा या नहीं। अगर वापस आएगा तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। मेरे को लगता नहीं है कि इमिजिएटली कमोडिटी में मूव आएगा। क्रूड प्राइसेस की खैर अपनी स्टोरी है क्योंकि वहाँ एक फिजिकल शॉर्टेज एक्चुअली डेली बेसिस पे 2 मिलियन बैरल्स का है जो कि मीट नहीं हो पा रहा, तो उस कारण से वो प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली समर ड्राइविंग सीजन जैसे खत्म होगा, मुझे लगता है कि क्रूड में भी गिरावट उसके बाद आनी चाहिए। इसके लिए ये लास्ट 1 ईयर का ग्राफ दिखा रहा हूँ, BSE मेटल इंडेक्स, देखिए किस कदर वो जो है भयंकर रैली के बाद ऊपर से टॉप से 20% गिरी है। उसके बाद आप लेके आइए जरा BSE ऑटो इंडेक्स और कैपिटल गुड इंडेक्स, दोनों एक साल के हाई पे है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 52-week लो पे है ऑलरेडी। तो जो संदीप कह रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए, रिवर्सल हो रहा है, पोजिशनल रिवर्सल हो रहा है।
दूसरी क्रूड पे बात करें, इनफैक्ट एक क्विक व्यू मैंने एसपीडीआर की एनर्जी ईटीएफ का लास्ट वन ईयर का चार्ट मैप किया क्रूड ऑयल के प्राइस के साथ। आपको आश्चर्य होगा संदीप की जो ईटीएफ है वो ऑलरेडी टॉप से 5-7% 10% नीचे आ गया है, स्क्रीन पर हम डाल रहे हैं, क्रूड नहीं आया है, लेकिन यानी कहीं ना कहीं लोगों ने पोजीशन निकालना शुरू कर दिया है एनर्जी ईटीएफ से फंड्स ने। जी हाँ, और एक क्या हुआ था कि प्रोडक्ट प्राइसेस बहुत ऊपर गए थे क्रूड के ऊपर, अब प्रोडक्ट प्राइसेस में करेक्शन आया जबकि क्रूड में नहीं आया, तो उसका भी शायद कुछ असर हो सकता है। हालांकि इसकी एसपीडीआर इसमें एक्चुअल क्या कंटेंट्स है मैंने इतना क्लोजली ट्रैक किया नहीं इसको, लेकिन क्रूड भी अल्टीमेटली गिव अप करेगा, कब गिव अप करेगा बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि इमीडिएट टर्म में एक फिजिकल शॉर्टेज ऑन अ डेली बेसिस है। इसमें संदीप मैं आपको बता दूं जिस जानकारी के लिए कि इसमें शेवरॉन बीपी इस तरह की बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कंपेयर करें कि लोग कर क्या रहे। जो पोजिशनल ट्रेडर्स पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने शुरू कर दिया है पैसा निकालना क्योंकि पैसा बहुत बन गया है, और जो हेज फंड टाइप ट्रेडिंग ओरिएंटेड लोग जो क्रूड ऑयल पे लॉन्ग थे उन्होंने अभी ऑफकोर्स उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं की है। राइट बिल्कुल। तो ये कच्चे तेल की तो खैर बात कई दिनों से हम कर रहे हैं कि आप कच्चा तेल क्या टॉप आउट हो गया, और आज तो संदीप टंडन भी जब हमें सुबह मॉर्निंग में कह ही रहे थे अजय कि अगस्त एंड तक आपको इन्फ्लेशन भी पीक आउट होता हुआ होने की संभावना है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि, और शायद क्रूड भी अब टॉप आउट हो जाएगा। तो ये ब्रेंट क्रूड का आप पिछले 5 दिन का चार्ट भी देख रहे हैं। एक और कंसर्न क्रूड के लिए ये भी है क्योंकि चाइना में जो फ्रेश लॉकडाउन की बात बार बार आ रही है अजय दोबारा, तो डिमांड थोड़ी सी इंपैक्ट होती है और वो भी एक रीजन होगा, प्लस यूएस फेड की ब्याज दरें बढ़ी, ये सारे रीजन है। अभी हम संदीप से भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो मार्केट्स पे आपको रिएक्शन देखना होगा वो ये देखना होगा कि क्या 15400 से बाजार अब कोई बाउंस बैक दिखाता है या नहीं। संदीप हमारे साथ अब फिर से हैं बने हुए। संदीप गुड आफ्टरनून, आप जिस तरह से यहाँ अपना एक व्यू शेयर कर रहे हैं, हालांकि मैं आपके ट्विटर पे भी पढ़ रही थी आपके कमेंट्स, तो खैर इनकरेजिंग लग रहे हैं कि अगर यहाँ से बाजार में थोड़ी वीकनेस और भी बढ़ती है तो इसको आप एक अच्छे हैप्पी साइन की तरह देखें, तो इस हैप्पी साइन में क्या खरीदने की अपॉर्चुनिटीज आपको दिखनी शुरू हो रही है, सिल्वर लाइनिंग कहाँ का दिखनी शुरू हो रही है अब? देखिए, जब फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग जो होगी वो हम करेंगे ऑटो कंपनीज में, कैपिटल गुड कंपनीज में और फाइनेंशियल कंपनीज में, तो ये तीन क्षेत्रों में हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कुछ समय है क्योंकि जो एक गिरावट का दौर अब, क्योंकि काफी लोगों ने ये एक धारणा बनाई हुई थी कि फेड पॉलिसी के बाद मार्केट बहुत बुरी तरह बाउंस बैक कर जाएगा, और बेसिकली सेल ऑन न्यूज एंड बेसिकली सेल ऑन रूमर बाय ऑन न्यूज का एक फिलॉसफी चल रही थी जो कि शायद नहीं प्ले आउट होगी इमीडिएट टर्म में, तो फिर वो एक लोग डिसहार्टन हो गए, और ये जो फाइनल लेग डाउन होता है मार्केट का ये काफी शार्प हो जाता है, तो हो सकता है कुछ स्टॉक यहाँ से भी हमें 12-15% सस्ते मिल जाएं, मतलब ऐसा हो सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगा और उसमें फिर इन तीन क्षेत्रों से स्टार्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी और कमोडिटी स्टॉक से थोड़ा दूर रहेंगे। आपने ऑटो की बात की, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इनपुट बताऊं, कल रेनो के जो ग्लोबल सीईओ हैं उन्होंने भी अपनी ये कमेंट्री में बोला कि चिप शॉर्टेज के सुधरने के साइंस दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं अर्ली साइंस। अभी अभी टाटा मोटर्स की एनुअल रिपोर्ट थोड़ी देर पहले आई, वहाँ भी काफ़ी अच्छी कमेंट्री आई है। ऑटो पे किस तरह से प्ले करेंगे आप, क्या आप ये टाटा मोटर टाइप की कंपनीज लेंगे जिसमें ईवी प्लेस भी हैं लेकिन ये हाई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, चिप शॉर्टेज वगैरह पूरी तरह अभी सॉल्व नहीं हुई, या आप पैसेंजर व्हीकल या टू व्हीलर्स, ऑटो को कैसे खेलना चाहेंगे आप? ऑटो में हमें डोमेस्टिक प्लेस पे ही प्ले करना है क्योंकि ग्लोबल कंपनीज जो हैं जैसे टाटा मोटर्स, उनको चाइना रिलेटेड इश्यूज अभी भी अगले 1-2 साल रहेंगे क्योंकि चाइना का स्लो डाउन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, अशोक लेलैंड, ये कंपनीज फर्स्ट लेग में, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन में रहेंगी, उसके बाद टू व्हीलर कंपनीज रहेंगी, कुछ ऑटो एंसिलरीज भी हो सकता है अट्रैक्टिव हो जाएं, और ब्रॉडली ऐसा चलेगा ऑटोज में। ठीक है, सो ऑटोज पे तो खैर यहाँ बात हो रही है, ऑटो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा भी रहा है, मतलब इस मार्केट में भी आप देखें तो ये स्पेस पूरा रेजिलिएंट है। इनफैक्ट ऑटो एक और बहुत इंटरेस्टिंग थीम पर आज हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे,
संदीप, आपका क्या व्यू रहेगा? उनका कहना था, आज हम सुनील सुब्रमण्यम से बात करते हैं, वो कह रहे थे कि जितने भी पीएलआई से जुड़े यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से जो भी घरेलू कंपनियां या फिर डोमेस्टिक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जिन जिन सेक्टर्स को मिल सकती है उनमें आप नजर बना के रखें। पीएलआई स्कीम जिनको मिलेगी वो तो बात का ट्रिगर है, लेकिन उससे पहले जो इन्वेंट्रीज बनाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, उनको फायदा मिलेगा। ऐसी कोई स्पेशल थीम आप भी स्टडी कर रहे हैं? देखिए, पीएलआई रिलेटेड कंपनीज में एक मूव पहले ही आ गया था, तो वो मुझे लगता है मोर ऑर लेस बिल्ट इन है। अब यहाँ से हमें देखना है कि अगर हम कंज्यूमर कंपनीज पे देखते हैं तो कंज्यूमर कंपनीज में नियर टर्म में प्रेशर रहेगा, तो ड्यूरेबल कंपनीज तो जिन्होंने पीएलआई एक्चुअली क्षेत्र में बहुत ज्यादा पैसे कमिट कर दिए हैं उनको एक्चुअली शॉर्ट टर्म में शायद वो सफर भी कर सकते हैं क्योंकि इतनी डिमांड नहीं होगी। तो ये एक डायनेमिक मार्केट है, यहाँ पे हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है स्टॉक। सो हम लोग जनरलाइज व्यू नहीं दे सकते, हमें हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी यहाँ से 10-15-20% गिर जाएं तो हो सकता है वो सेक्टर ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, तो हमें डायनेमिकली इवैल्यूएट करना है। ये एक पीएलआई स्कीम में काफी कंपनीज ऐसी हैं जो बस असेंबली करती हैं, उनके की ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है, तो वो मुझे ज्यादा एक्साइट भी नहीं करते। राइट, संदीप, कैपिटल गुड्स पे मैं आपसे एक बात जानूंगा, कौन से स्टॉक्स में आपको दिलचस्पी है? क्योंकि कैपिटल गुड इंडेक्स को लेके आइए, एक साल के हाईएस्ट पे है। सीमेंस ने बहुत ही धमाकेदार कमेंट्री दी अपनी, सीमेंस के टॉप मैनेजमेंट का हमने इंटरव्यू भी किया। एक तो यहाँ पे ना एलिकॉन इंजीनियरिंग, अपार इंडस्ट्रीज, एआईए इंजीनियरिंग, प्राज काइंड ऑफ मिड कैप स्टॉक्स हैं जो वो भी अच्छा कर रहे हैं बाजार में और अच्छी बातें आ रही हैं उनके कॉमेंट्री से। और एक पूरा जो प्रीमियम वाला है, एबीबी, सीमेंस, हनीवेल, आपने कहाँ पे आपको दिलचस्पी आ रही है? अजय, आपने सब कंपनी का नाम ले लिया और मुझे लगता है कि ये सारी कंपनी अच्छा करेंगी, तो हमें बास्केट आपने किनको चुना है, मैं जाइए जानने में। देखिए संदीप, हमारी कोशिश है किसी तरह से स्टॉक्स के नाम निकल रहे। देखिए, प्राज में हमारी होल्डिंग बहुत समय से है और मुझे अभी भी पॉजिटिव लगता है, ऊपर से काफी करेक्शन हुई है। एबीबी सीमेंस में इतनी करेक्शन नहीं हुई, लेकिन ये कंपनीज काफी अच्छा कर रही हैं और उनकी आउटलुक अच्छा है, तो ये भी अच्छा करेंगी। और जो भी आपने छोटी कंपनीज के नाम दिया, सब में ट्रैक्शन है। और एक शायद आप एक बड़ी कैपिटल गुड कंपनीज जो रिलेटिवली बड़ी है, थर्मैक्स, वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो जब हम निवेश करेंगे तो हमारे पास ये बास्केट है 10-12 कंपनीज का, तो उस समय रिलेटिव वैल्यूएशन किसका ज्यादा सस्ता है और हमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ज्यादा बेटर किया लगे, तो उस समय उनमें ज्यादा एलोकेशन मैं करूंगा। तो ये आपने काफी अच्छी लिस्ट दी है अपने व्यूअर्स को और इनमें ज्यादातर अच्छी कंपनीज कवर हो जाती है। ऑल राइट सर,